दोस्तों, जो अगर अभी तक आप अपने राज्य और जिले की सेना भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए एक खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि सेना कन्याकुमारी, पंजाब, जम्मू कश्मीर और अन्य स्थानों में रैलियों के कार्यक्रम की तैयारी कर रही है, जिसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बगल की घंटी को दबाना न भूलें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही सेना भर्ती से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, इसके साथ ही आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने जिले और राज्य का नाम जरूर लिख कर जाएं, ताकि हम आपके जिले की भर्ती की जानकारी सबसे पहले ला सके। दोस्तों, आजकल काफी युवा अपने देश का एक सैनिक बनने का सपना देखते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं जो भारतीय सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो यहाँ आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि भारतीय सेना भारत भर में कई भर्ती रैलियों को एक साथ लेकर आई है। दोस्तों, सेना भर्ती रैली हिमाचल प्रदेश के मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों के युवाओं के लिए 6 नवंबर से 16 नवंबर तक पैडल ग्राउंड मंडी में आयोजित की जाएगी, जिसमें क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल और सिपाही फॉर्मा के लिए भर्तियां होंगी, जबकि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर, बिलासपुर, पालमपुर, चंबा, कांगड़ा और ऊना जिलों के लिए अलग अलग पदों के लिए अलग अलग तिथियों में भर्ती रैलियों का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही सिपाही फॉर्मा श्रेणी के लिए सेना भर्ती रैली हरियाणा के रोहतक, झज्जर, सोनीपत और पानीपत जिलों के योग्य उम्मीदवारों के लिए 6 नवंबर से 16 नवंबर तक कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी में आयोजित की जाएगी। दोस्तों, सभी इच्छुक उम्मीदवार 15 जुलाई से 28 अगस्त तक ऑनलाइन माध्यम से इन पदों के लिए खुद को पंजीकृत कर सकते हैं। आपको बता दें कि उम्मीदवारों को केवल एक भर्ती वर्ष चक्र में, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक श्रेणी में पंजीकरण और भाग लेने की अनुमति दी गई है, और आपके एडमिट कार्ड को भर्ती रैली शुरू होने की तारीख से एक सप्ताह पहले पंजीकृत ईमेल के माध्यम से भेजा जाएगा। दोस्तों, और अधिक जानकारी के लिए आप सेना के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।